तो भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। आई होप अब सब बढ़िया होंगे। तो गैस यार, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो के अंदर। तो गैस यार, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पबजी मोबाइल या बोल लो भाई पीजीएम के अंदर आप जब भी गेम को लॉग इन करते हो तो वहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलता है एंड बताया जाता है अपलोड फील्ड एरर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस और रीस्टार्ट द गेम। तो कुछ इस तरीके का यार आपको जो है वो स्क्रीन पर कुछ एरर देखने को मिलता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी एरर के रिलेटेड बात करेंगे। एंड गाइज, ये जो एरर है ये हाल ही में मेरे को भी देखने को मिल रहा है। एंड सुबह जैसे ही मैंने गेम को लॉग इन करने की कोशिश की तो वहाँ पे भाई मेरे को यही एरर देखने को मिल रहा था। एंड यकीन करो गाइज, मैंने कुछ दो तीन स्टेप अप्लाई किए एंड उसके बाद ये मेरा एरर जो है वो फिक्स हो गया था। सो आप भी ये ट्रिक जो है वो अप्लाई कर सकते हो या ये जो मेथड है अप्लाई कर सकते हो। एंड यकीन करो 100% गाइज आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगी। सो यार, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन वो भी ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यहां पे तुम्हारा भाई 100% जेन्युइन कंटेंट अपलोड करता है जिससे आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प होगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक भी आपने कर देना है। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओके गाइज, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे गेम को सुबह स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मेरे को जो है गेम स्टार्ट करने के दौरान ये यहाँ पे मेरे को लॉगिन का ऑप्शन आ गया। एंड सिंपल से जैसे ही मैंने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरे को यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा था। तो यार, लाइव प्रूफ मैं इसलिए आपको देता हूँ क्योंकि यार काफ़ी लोग बोलते हैं आपके पास ये दिक्कत आ नहीं रही थी, आप झूठ बोल रहे हो। तो कुछ इस तरीके का सीन लोग जो है वो क्रिएट कर देते हैं, तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि यार ये सीन बन जाए। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही मैं फेसबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ या ट्विटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ या जीमेल से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, बस यही हमें जो है एक एरर देखने को मिलता रहता है एंड बताया जाता है एज दैट हेल्प। सो अगर हम हेल्प वाले बटन पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हमारा कुछ नहीं होता, सिंपल सा यार एक मेथड होता है, बस ये वो आगे आ जाते हैं कुछ इस तरीके का। यार देखो, आपको जो है वो हेल्प वाले बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखने को मिलता है एंड यहाँ से अगर आप कोई करते भी हो तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यार आपकी गेम के अंदर ही कुछ दिक्कत आ रखी है। तो बेसिकली यार, ये जो एरर है ये क्यों आता है, जब आप जो है कभी कभार कुछ हैक वैक जो है वो अपनी गेम के अंदर यूज़ करते हो जिसकी कारण आपको ये एरर जो है वो देखने को मिलता रहता है, या कभी कभार आपकी गेम के अंदर कुछ ग्लिच व्लिच हो जाता है जिससे आपको जो है ये एरर देखने को मिलता है। सो बेसिकली इस एरर को फिक्स कैसे करना वो यहां पे आप देख लो। सिंपल सा आपने करना है क्या, यहां पे आपको जो है एक रिपेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा टॉप की साइड, तो आपने इस पे क्लिक करना है। देन आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली आपने जो है इन दोनों ऑप्शन पे टिक लगा लेना है। जैसे ही आप इन दोनों ऑप्शन पे टिक लगा लोगे, टॉप पे जो एक टिक है एंड सेकंड जो टिक है, सिंपल सा आपने इन दोनों पे ही टिक लगाना है। एंड गाइस, सिंपल सा आपने यहां पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करोगे, अगेन ओके वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है एंड एकदम आपकी गेम जो है वो बैक हो जाएगी एंड ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सा आपने अपनी गेम को यहाँ से जो है वो कट कर लेना है एंड उसके बाद आपने सिंपल सा यहाँ से अपनी जो है ऐप पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप यहाँ से नहीं जाते तो सिंपल सा आपने अपनी सेटिंग ओपन करना है, देन अगेन यहाँ पे आपको टॉप पे सर्चिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपने अपनी पबजी का नेम जो है वो टाइप कर देना है एंड आपकी जो पबजी गेम है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक नीचे की साइड फुल स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करके इसको फुल स्टॉप कर ले एंड देन अगेन यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ से आपने सिर्फ क्लियर कैचअप करना है। सो जैसे ही आप ये स्टेप कर लेते हो एंड सिंपल सा आपने अपनी गेम को यहाँ से हटा देना है एंड उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे एक जो है एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है गाइस ज़ेरा च्यूअर। तो ये एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है, बेस्ट एप्लीकेशन है। सो सिंपल सा आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पर आप इसका नाम भी जो है वो देख सकते हो। सो ये एप्लीकेशन दो आई थिंक यार 4 MB की एप्लीकेशन होगी और ये हमारे काफ़ी काम आने वाली है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो सिंपल सा आपने इसकी परमिशन को अलाउ कर देना है, देन अगेन एंड्रॉइड फोल्डर को आपने क्लिक कर लेना है। सो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो एंड्रॉइड फोल्डर आपको देखने को मिल रहा है इसको क्लिक करो एंड यहां पे आपको एक ओबीवी का फोल्डर देखने को मिलेगा जिसके अंदर पबजी की कुछ फाइल्स होती हैं। सो इनको आप जो है ओबीवी फोल्डर पर लॉन्ग प्रेस कर रखो, नीचे की साइड आपको एक रीनेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड इस पर क्लिक करो एंड इसके सामने जो है कुछ आप कीवर्ड यहां पर टाइप कर दो एंड ओके कर दो। सिंपल सा आपने ये काम करना है एंड उसके बाद आपने जो है डेटे के अंदर चले जाना है एंड यहां से आपने जो है com.tencent.ig वाले फोल्डर पे ही लॉन्ग प्रेस करना है एंड यहां से इसका भी नेम आपने जो है वो चेंज कर लेना है।
सिंपल सा इसके नेम के आगे भी आपने कुछ जो है दो तीन कीवर्ड टाइप कर देना है एंड उसके बाद आपने करना है कि अपनी पबजी गेम पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड ऐप इन्फॉर्मेशन के अंदर चले जाना है या फिर आप जो है सर्चिंग वाले ऑप्शन से भी अपनी पबजी गेम को ढूंढ सकते हो। सिंपल सा आपने स्टोरेज के अंदर जाना है एंड यहाँ से जो है आपने क्लियर कैचअप अगेन कर देना है एंड यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है। सो जैसे ही आप यहाँ से क्लियर डेटा करोगे तो आपका डेटा जो है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, आपकी गेम वैसी की वैसी रहेगी। तो उसके बाद देन अगेन आपने जो है इस जेड़ा और फाइल को जो है वो एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे सिंपल सा अगेन स्टेप करना है जो आपने ओबीबी के फोल्डर के आगे जो नेम टाइप किया था सिंपल सा आपने उस पर लॉन्ग प्रेस करना है एंड इसका जो नेम आपने आगे लिखा था वो आपने यहां से रिमूव कर देना है। सो अगेन आपने ओबीबी कर देना है एंड आपने डेटे के अंदर चले जाना है एंड com.tencent.io फोल्डर के सामने जो भी आपने कुछ लिखा था उसको भी यहां से रिमूव कर देना है। सो ये स्टेप मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपकी गेम का जो डेटा है वो सेव हो जाता है एंड सेव कर देना है। अगेन आपने जो है करना क्या है, अब सिंपल सा आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है एंड वो एप्लीकेशन क्या है, वो एक वीपीएन है जो कि बेस्ट वीपीएन है एंड मैं नहीं चाहता कि यार आपकी जो है गेम के अंदर कुछ और दिक्कत आ जाए। अगेन आपने करना क्या है, प्ले स्टोर पर चले जाना है एंड प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर एक वीपीएन जो है वो इंस्टॉल कर लेना है एंड बेस्ट वीपीएन है, यकीन करो। इस स्टेप से मेरा जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई थी। तो यहाँ पर आपने सिंपल सा लिखना है क्या है, क्विकली वीपीएन, आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको जो है एक वीपीएन देखने को मिल रहा होगा एक नाम से। आई थिंक यहाँ पे मेरे को जो है थोड़ा इसका नाम जो है वो चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि यार वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो के अंदर थोड़ा ये छोटा मेरे को नज़र आ रहा है, बट जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख देख सकते हो। सिंपल सा आपने इस वीपीएन को इंस्टॉल कर लेना है एंड सिंपल सा आप यहाँ पे जैसे ही आओगे तो अगर आपकी पीजीएम है तो आप यहाँ से इंडिया सिलेक्ट करो, अगर आपकी पबजी है तो आप जो है कोई और सर्वर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो मेरी तो गाइज यहाँ पे पबजी मोबाइल है तो यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा सर्वर ढूंढ के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करो एंड ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे तो यार आपका जो है ये वीपीएन इजीली यहाँ पे जो है कनेक्टेड हो जाएगा। तो सिंपल सा अब आपने करना क्या है, अपनी पबजी गेम को जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप अपनी पबजी गेम को स्टार्ट करोगे तो यकीन करो गाइस आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशन ओके कर देनी है, इसकी जो परमिशन है तो इसको अलाउ कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारी गेम जो है वो स्टार्ट होती है तो बेसिकली यार देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यार दिक्कत क्यों आती है, ये एरर आपको क्यों देखने को मिलता है। तो जब आप अपनी गेम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करते हो या आप जो है इसका कुछ डेटा वेटा जो है डिलीट कर देते हो तो इस तरीके से यार ये आपको एरर देखने को मिलता है, या आप हैक वैक यूज़ करते हो तो इस तरीके से यार आपको जो है ये एरर देखने को मिल जाता है। सो सिंपल सा यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे मेरी गेम जो है वो यहाँ पे लॉग इन हो चुकी है एंड मेरे को अब कोई एरर जो है वो यहाँ पे शो नहीं हुआ। सो यहाँ पे आप लाइव प्रूफ चेकआउट कर सकते हो एंड सिंपल सा यहाँ पे कुछ आपको लोडिंग वोडिंग लेगा एंड हो सकता है कुछ यहाँ पे जो है 60 MB की या 120 MB की अपडेट मांग ले, तो वो आपने यहाँ पे कर देनी है एंड इस तरीके से यार आपका जो ये एरर फिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको मैं लॉबी के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ कि वाकई यार हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हुई है या नहीं, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। बाकी यार यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो यार काफ़ी गर्मी के अंदर बना रहा हूँ एंड पसीने से भाई भरपूर हो गया हूँ, तो यार एक वीडियो पे लाइक तो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज कुछ इस तरीके से यार आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।